हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ी। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो XUV 400 का, और इस वीडियो के अंदर हम इसको चलाने वाले हैं जिमखाना ट्रैक के ऊपर। देखते हैं कि कितने सेकंड में हम इस पूरे ट्रैक को कवर कर पाते हैं। सामने जो आप रेड कलर की XUV देख रहे हैं उसके ऊपर चल रहा है टाइमर, और लगभग 1.5 मिनट के आसपास, 90 सेकंड के आसपास में लगभग ये ट्रैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि कितना टाइम लेने वाली है गाड़ी और कैसा रहने वाला है मेरा एक्सपीरियंस इस ड्राइव के साथ। दोस्तों ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस XUV 400 के साथ में। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आने वाली है इस गाड़ी को ड्राइव करते समय। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 150 PS की पावर, 310 NM का टॉर्क मिल जाता है इस गाड़ी से, और पावरफुल काफ़ी है। अगर आप फेयरलेस मोड के अंदर चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। टायर स्पिन होते हैं, बार बार आपको स्मोक भी दिखाई दिया होगा टायर्स का, और कुल मिलाकर एक स्पोर्ट्स कार वाली फील तो आने वाली है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से। और इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाना हमेशा ही काफ़ी मज़ेदार रहा है। रेंज का थोड़ा बहुत इशू जरूर हो सकता है उन बायर्स के लिए जिनको लंबे रूट के ऊपर गाड़ी को लेकर जाना है, बट अगर आपको डेली ऑफिस है, घर घर से ऑफिस जाना है, फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो XUV 400 आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली है। और अब हम हैं हाई स्पीड रेस ट्रैक के ऊपर जहां पर चलाने वाले हैं XUV 400 को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी टॉप स्पीड के साथ में, कितनी टॉप स्पीड पकड़ लेती है। 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर, फन, फास्ट एंड फियरलेस। पहले हम चलाएंगे इसको फन मोड के अंदर। फन मोड में स्पीड जो इसकी 90 के आसपास जाके रुक गई है। देखो कंटिन्यूसली पैडल मैंने प्रेस किया हुआ है, 95 के आसपास की स्पीड है ये, उसे ऊपर नहीं जा रही है। अब हम चेंज कर लेते हैं मोड को, ये हो गया फास्ट मोड। फास्ट मोड प्रेस करते ही सीधी गाड़ी पहुंची है, 120 क्रॉस कर गई, 135 के ऊपर रुक गई है फास्ट मोड के अंदर। में है ये जो फास्ट मोड है, और एक है उसके बाद फियरलेस मोड। फियरलेस मोड के अंदर हम किस स्पीड के ऊपर जाएंगे वो भी देख लेते हैं। 160, ऑलमोस्ट 160 टच हो गया है, 158 के आसपास की स्पीड में अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी को फियरलेस मोड के अंदर। फर्स्ट मोड के अंदर 90 के आसपास, सेकंड मोड के अंदर 135, और जो तीसरा मोड दिया गया फियरलेस
उसमें 158 की स्पीड। और जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करेंगे आपको फिर वेट फील होने लगता है स्टीयरिंग के अंदर। कम स्पीड के अंदर काफी लाइट रहता है बट हैंडलिंग काफी लाजवाब है। इस गाड़ी की जो सस्पेंशन सेटअप इंट्रोड्यूस किया है सेम वही सस्पेंशन सेटअप है जो आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर और एक्सयूवी 700 के अंदर मिल जाता है। FDD MTVL जो सस्पेंशन सेटअप है वो दिया गया है इस गाड़ी के अंदर जो काफ़ी लाजवाब और कमाल की राइड ऑफर करता है। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो गाड़ी है ये कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो गया है इसका। जो XUV 300 हमने चलाई है और जो 400 हम चला रहे हैं उन दोनों में दिन रात का अंतर है ड्राइविंग डायनेमिक्स के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। परफॉर्मेंस में तो होना ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार जैसी फील आपको आने वाली है इस गाड़ी से। हालांकि जो रेंज क्लेम की गई है 456 उसके कितने करीब एक्चुअल में रेंज मिलने वाली है वो तो हम टेस्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। बट अगर कहीं भी 350-400 के आसपास रेंज मिल जाती है तो काफ़ी कमाल की गाड़ी लेकर आ रहा है महिंद्रा। जनवरी से इस गाड़ी की डिलीवरी चालू हो जाएंगी। ऑल फोर टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, ABS EBD तो स्टैंडर्ड आते ही हैं, ESP भी मिला है और मैं ब्रेक्स भी अप्लाई करके देख लेता हूँ कैसे ब्रेक्स हैं इस गाड़ी के अंदर। ब्रेक्स भी लाजवाब मिले हैं और ब्रेक करने के बाद आप एकदम से एक्सेलेट करेंगे, सडन एक्सेलेट करने वाले हैं तो आपको टाइम नहीं लगता स्पीड पकड़ने में या एक्सेलरेशन के अंदर, तुरंत आपको स्पीड मिल जाती है। तो ओवरटेकिंग भी काफ़ी आसान रहने वाली है। लाइक मैं भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ 120 की स्पीड के ऊपर, 130, 140 की स्पीड पे आ गया है टर्न, गाड़ी घूम गई है पूरी की पूरी। अगर आपने कभी मौत का कुआं देखा हो तो वो वाली फील आ रही है मुझे इसके अंदर। अभी आपने आवाज़ सुनी, फोर्थ लेन में जाना अलाउड नहीं है और मैं गलती से चला गया था, वायरलेस हो गया हमारा भैया। कुल मिलाकर दोस्तों परफॉर्मेंस तो लाजवाब इस गाड़ी के, आप फैन होने वाले हैं। रेंज का आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डीएक्टिवेट किया हुआ है। अभी मुझे नहीं पता लग रहा कि कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है, सुबह से मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, कितनी रेंज बची है वो सारी इन्फो अभी यहाँ से हटा दी गई हैं और प्रोडक्शन वर्जन के अंदर वो दी जाएंगी। लाजवाब ब्रेक्स मिले हैं इस गाड़ी को, परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छी ब्रेकिंग होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो मिली है इस गाड़ी को। दोस्तों अगर 20 लाख में आपको एक ऐसी गाड़ी ख़रीदनी है जो काफ़ी अफोर्डेबल रहे चलाने के लिए, अगर आपका डेली रनिंग 100-150 किलोमीटर भी रहने वाला है तो ये गाड़ी आपके उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। फ़न टू ड्राइव है, सेफ़ है, मज़ेदार है, कोई भी पेट्रोल डीजल में आपको इतना फ़न नहीं मिलेगा जितना इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। और जो रेंज कंपनी ने क्लेम की है 456 किलोमीटर की, वो रेंज भी काफ़ी कमाल की है। अब देखना ये होगा कि महिंद्रा इसकी कीमत कैसी रखने वाला है। कंफर्ट अच्छा है, स्पेस प्रैक्टिकल ज़रूर है क्योंकि बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा मिला है। सारी बातें अब टिकी हैं प्राइस के ऊपर और डिलीवरीज के ऊपर, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी कीमत में गाड़ियां तो लॉन्च कर रही है बट कस्टमर्स को दे नहीं पा रही है, लोग वेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के लगभग 1.5 लाख कस्टमर्स वेट कर रहे हैं गाड़ी का, लगभग 80,000 के आसपास XUV 700 के कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और उसी लिस्ट में अब नाम ऐड होने वाला है XUV 400 का। कितने कस्टमर्स वेट करेंगे, किस कीमत में गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, आपको कैसी लगी ये गाड़ी, आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में यहीं लेता है आपसे विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।